हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से मेडिकल इमरजेंसी में एक पेशेंट को समय पर एयरलिफ्ट कर उसका जीवन बचाया। इस बार सुक्खू ने चंबा जिले की पांगा घाटी के किलाड़ कस्बे से एक गंभीर मरीज को अपने निर्धारित दौरे को रद्द कर सरकारी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाया। इन्होंने इसी तरह लाहौल स्पीति जिले की सुदूर मायार घाटी से एक गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट किया था। गले में गंभीर चोट लगने के कारण इस पेशेंट को तत्काल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स किलाड़ में मौजूद नहीं थे। इसलिए डॉक्टर्स ने उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद घाटी के बाहर रेफर कर दिया, जिस पर परिवार के सदस्यों ने सरकार से उसे एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिसके बाद उस मरीज को हेलीकॉप्टर से किलाड़ से कांगड़ा जिले के टांडा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टर से मिली रिपोर्ट के अनुसार मरीज का इलाज किया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अस्पताल के अधिकारियों को मरीज का मुफ्त में इलाज करने और उसे हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विचार कर रही है और इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकों की पद स्थापना की जाएगी, ताकि दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्रों में घोषणा की।